हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर SST क्लास। चिल्ड्रन, लास्ट टू वीडियोस में आपने इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर टाइम और इंडोर गेम्स के बारे में जाना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आउटडोर गेम्स। होप यू आर रेडी चिल्ड्रन। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आर वेरी गुड बट वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स चिल्ड्रन बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन हम आउटडोर गेम्स की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन अ क्लासरूम में बहुत देर बैठने के बाद आपको गेम्स पीरियड हो या म्यूजिक पीरियड में हो उसमें बहुत मजा आता है। यू वॉन्ट टू प्ले इन अ फ्रेश एयर इन द ओपन प्ले ग्राउंड। सो चिल्ड्रन, आप भी क्लासरूम में बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद फ्रेश एयर में ओपन प्ले ग्राउंड में जाकर खेलना चाहते हैं। सिमिलरली द ओल्डर पीपुल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू सम आउटडोर एक्टिविटी। इसी तरह बच्चों, सिमिलरली जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घर में बैठे बैठे थक जाते हैं तो वो भी बाहर जाके कुछ देखना चाहते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं। इट सप्लाइज फ्रेश एयर टू द लंग्स। इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या फायदा होता है? जो फ्रेश एयर होती है वो हमारे लंग्स में जाती है। एवरीवन एंजॉयज फ्रीडम फ्रॉम इनक्लोज्ड स्पेस, स्टिल एयर एंड कोकॉन्ड एनवायरनमेंट। हर कोई इंजॉय करना चाहता है बंद स्पेस से बाहर आकर। स्टेल एयर मीन्स बासी हवा से। बासी हवा इट मीन्स बच्चों, अगर आप रूम बंद कर दो तो वहां की जो एयर है वो क्या होगी, वो पास नहीं होगी। तो इससे वो बहुत दिन तक रहने के बाद रूम में इट मीन्स बासी, इट जैसे कि फ्रेश एयर नहीं आ पाई तो वो एयर एक तरह से खराब हो जाती है। एंड कोकॉन्ड एनवायरनमेंट इट मीन्स उबाऊ वातावरण। ठीक, तो हर कोई बंद कमरे से, बासी हवा से और उबाऊ वातावरण से बाहर आना चाहता है। मोर ओवर मोस्ट आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ज्यादातर आउटडोर गेम्स में खेलने के लिए एक या दो लोग नहीं चाहिए होते, उसके लिए कई लोगों की जरूरत होती है। हेंस डेवलप द क्वालिटीज ऑफ टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड लीडरशिप। सो चिल्ड्रन, आउटडोर गेम्स में क्या होता है, हमारे अंदर टीम स्पिरिट की भावना बढ़ जाती है। मतलब हम टीम के साथ, उसमें जो लोग होते हैं उनके साथ सहयोग करना सीखते हैं, आप कोऑपरेट करना सीखते हैं और आपके अंदर टॉलरेंस और लीडरशिप की क्वालिटी भी जनरेट होती है, डेवलप होती है। नाउ डू यू नो फेयर प्ले इज रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, टीम मेंबर्स, अपोनेंट्स, रेफरीज एज वेल एज फैंस। फेयर प्ले मीन्स ईमानदारी से खेलना। वो कैसे करते हैं बच्चों, जब आप रूल की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टीम मेंबर की रिस्पेक्ट करते हैं, ओपोनेंट्स मीन जो आपके अपोजिट खेल रहा है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, रेफरीज की रिस्पेक्ट करते हैं, साथ में फैंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं। सो बच्चों, जब आप ये सब काम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप फेयर प्ले कर रहे हैं, ईमानदारी से खेल रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द आउटडोर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैव अ ग्रेटर मास अपील एज कम्पेयर टू इंडोर वंस। आउटडोर स्पोर्टिंग एक्टिविटी को हम ज्यादा पसंद करते हैं इंडोर स्पोर्टिंग एक्टिविटी से। विदाउट अ डाउट क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। बिना किसी डाउट के क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है इंडिया में, आउटडोर गेम्स में। क्लियर चिल्ड्रन, सबको क्रिकेट देखना पसंद है। इंडियंस इंजॉय ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। हम इंडियंस लोग सारे गेम्स को इंजॉय करते हैं, चाहे वेदर टेस्ट
और वन डे मैच और 2020, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वन डे मैच हो या 2020 मैच हो, क्रिकेट इज प्लेड वॉच्ड इन स्टेडियम्स और इवन ऑन टेलीविजन बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। क्रिकेट खेलते हुए देखना या क्रिकेट खेलते हुए हम स्टेडियम में भी बैठकर देखते हैं, इवन बहुत सारे लोगों के साथ हम टेलीविजन पे भी देखते हैं। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी। चिल्ड्रन, हॉकी हमारा इंडिया का यानी नेशनल गेम है। जैसे हमारा नेशनल, इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। वैसे ही हमारे कंट्री का नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। आवर नेशनल गेम इज हॉकी, इसको याद रखिएगा। एट वन टाइम इंडिया वॉज अ वर्ल्ड चैंपियन एंड नाउ आवर हॉकी प्लेयर्स आर ट्राइंग टू रीगेन द सेम पोजिशन विद द ट्रेनिंग एंड डिटरमिनेशन। एक टाइम पे इंडिया वर्ल्ड चैंपियन था बच्चों, इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स ट्रॉफीज भी जीती थी, और इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन किसने जिताया था? उनका नाम था ध्यानचंद। क्या नाम था? ध्यानचंद। ये हॉकी कैप्टन थे और ये पंजाब के रहने वाले थे। सो चिल्ड्रन, आज भी जो हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, मतलब पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वही पुरानी रेपुटेशन हमारी वापस आ जाए। द अदर पॉपुलर आउटडोर गेम्स आर फुटबॉल, लॉन टेनिस, पोलो, हॉर्स राइडिंग एक्सेट्रा। और जो अदर आउटडोर गेम्स हैं उसमें कौन कौन से गेम्स आते हैं बच्चों? फुटबॉल आता है, लॉन टेनिस आता है, पोलो आता है, हॉर्स राइडिंग आता है और बहुत सारे नहीं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। कबड्डी एंड खो खो हैव बीन पॉपुलर इन इंडिया सिंस ओल्डन टाइम, स्पेशली इन रूरल पार्ट्स। अब हम बात करें कबड्डी और खो खो की, तो कबड्डी और खो खो इंडिया में बहुत पॉपुलर है और पुराने टाइम पे स्पेशली ये रूरल एरियाज यानी गांव में खेला जाता था। बेटा आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, ये गेम्स उन्होंने भी खेला होगा। जैसे खो खो तो आपकी मम्मी लोग ने जरूर खेला होगा, आप पापा ने कबड्डी जरूर खो खेला होगा। सो पूछिएगा अपने पेरेंट्स से कि उन लोग ने ये गेम्स खेला है कि नहीं खेला। बट इन रिसेंट टाइम्स कबड्डी हैज बिकम वेरी पॉपुलर। बट आज के टाइम पे कबड्डी बहुत ही पॉपुलर गेम है। बोथ द गेम्स आर वेरी गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, क्विकनेस ऑफ मूवमेंट एंड मेंटल अलर्टनेस एंड टीम स्पिरिट। हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए, क्विकनेस ऑफ मूवमेंट मीन्स हमारे बॉडी के स्फूर्ति के लिए, मेंटल अलर्टनेस मीन्स दिमाग की तेजी के लिए, टीम स्पिरिट के लिए, ये दोनों गेम बहुत ही अच्छे हैं। मोर ओवर दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड कैन नॉट बी प्लेड एनीवेयर। ज्यादातर इस गेम्स के लिए आपको कोई एक्सपेंसिव मीन्स महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और ये गेम्स हम कहीं भी खेल सकते हैं, मतलब ओपन एरिया में हम इस गेम को कहीं भी खेल सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ सी हियर, मेनी पीपल एंजॉय साइकिलिंग, स्केटिंग, वॉकिंग और जॉगिंग इन अ पार्क्स। बहुत से लोग पार्क्स में साइकिल चलाना, स्केटिंग करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना उन्हें अच्छा लगता है। योगा क्लासेस आर ऑल्सो अ ग्रेट अट्रैक्शन इन अ पार्क एंड योगा सेंटर। कुछ लोग पार्क में जाकर योगा करना पसंद करते हैं, कुछ लोग योगा करने के लिए योगा सेंटर को ज्वाइन करते हैं। द ओल्ड एज वेल एज यंग प्रैक्टिस प्राणायाम, ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड आसन, बॉडी पॉस्चर। क्लियर? आजकल बड़े हो या बूढ़े हो, बाबा रामदेव का योगा करना पसंद करते हैं। जैसे प्राणायाम, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इनहेल एक्सहेल। क्लियर? आसन। सम पीपल आल्सो एंजॉय एक्सरसाइजिंग इन ओपन स्पेस, और कुछ लोग ओपन स्पेस में एक्सरसाइज करना भी एंजॉय करते हैं।
Earlier, some games were played only by boys and some by girls. पहले children कुछ गेम फिक्स हुआ करते थे कि ये गेम्स गर्ल्स ही खेलेंगी और ये गेम बॉयज ही खेलेंगे. मोस्ट बॉयज प्लेड क्रिकेट और हॉकी एंड गर्ल्स वेयर एक्सपेक्टेड टू प्ले खो खो एंड बैडमिंटन एक्सेट्रा. क्रिकेट और हॉकी ज्यादातर बॉयज के द्वारा खेला जाता था और खो खो और बैडमिंटन जैसे गेम ये माना जाता था कि ये गर्ल्स के लिए होती हैं. बट नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड. बट अब सिचुएशन मीन्स हालात चेंज हो चुके हैं. गर्ल्स एंड वुमेन्स आर प्लेइंग ऑल काइंड ऑफ गेम्स फॉर फन एंड एज प्रोफेशनल्स लाइक क्रिकेट फुटबॉल हॉकी एक्सेट्रा. अब सिचुएशन चिल्ड्रन चेंज हो चुकी है. गर्ल्स या वुमेन जो भी है आजकल हर तरह के गेम खेल सकते हैं इंजॉय करने के लिए या प्रोफेशनल लेवल पे भी. जैसे क्रिकेट हो फुटबॉल हो हॉकी हो ये सब आज गर्ल्स भी खेल रही हैं. मेनी गेम्स आर कम्पीटेड एज मिक्स्ड डबल एट इंटरनेशनल लेवल लाइक लॉन टेनिस. आज चिल्ड्रन मिक्स्ड डबल मींस डबल होके खेलना पेयर्स में खेलना. ओके तो क्या हो रहा है आज बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिन्हें हम डबल्स होके खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. जैसे कि लॉन टेनिस. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट एट नेशनल गेम्स एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक एक्सेट्रा. क्लियर. आज बोथ गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी बराबर की अपॉर्चुनिटी है कि वो नेशनल लेवल का गेम हो या एशियन लेवल का गेम हो या कॉमनवेल्थ लेवल गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो. ठीक है उसमें वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज दोनों खेल सकते हैं. नाउ सी हियर डू यू नो काइट फ्लाइंग इज अ पॉपुलर एक्टिविटी ऑन द रक्षाबंधन इंडिपेंडेंस डे एंड उत्तरायण. बच्चों पतंग उड़ाना एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है जो कब हम उड़ाते हैं रक्षाबंधन पे या इंडिपेंडेंस डे पे या उत्तरायण पे. इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल एंड स्ट्रेटेजी. बच्चों पतंग उड़ाने के लिए भी हमें स्किल और स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है. हर कोई पतंग भी नहीं उड़ा सकता चिल्ड्रन. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल इंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड मटेरियल. पूरे वर्ल्ड में बच्चों इसे पतंग उड़ाना इंजॉय किया जाता है. लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. नाउ सी हियर मोस्ट पीपल इंजॉय वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट ईडन गार्डन. ज्यादातर लोग क्रिकेट मैच देखना कहाँ पसंद करते हैं ईडन गार्डन में. ये कहाँ है बच्चों ये कोलकाता में है. टेनिस मैच एट विम्बलेडन विथ इंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट. और टेनिस मैच कहाँ देखना पसंद करते हैं विम्बलेडन में. क्लियर. फुल इंथुजियाज्म मतलब एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ. चिल्ड्रेन एंजॉय विजिटिंग अ जू सर्कस वाटर पार्क फ्लाई काइट्स इन देयर लेजर टाइम. बच्चे अपने लेजर टाइम मींस खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं जू जाना पसंद करते हैं सर्कस जाना पसंद करते हैं वाटर पार्क जाना पसंद करते हैं फ्लाइंग काइट्स मतलब पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. यंग और ओल्ड एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू लेजर टाइम. चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो हर कोई अपने लेजर टाइम की तरफ देखता है कि टाइम टू रिलैक्स एंजॉय एंड रिफ्रेश द माइंड. Young or old, everyone looks forward to leisure time to relax, enjoy and refresh the mind. चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो हर कोई अपने leisure time की तरफ देखता है कि वो कैसे अपने समय को अपने mind को refresh करने के लिए body को relax करने के लिए उसे use कर सकता है. Clear? Now, do you know? रीडिंग इज अ वंडरफुल हॉबी. चिल्ड्रेन बुक रीडिंग करना बहुत ही अच्छी हॉबी मानी गई है बहुत ही वंडरफुल हॉबी मानी गई है. बुक्स हमें एंटरटेन भी करता है एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इवेंट्स एंड प्लेसेस एक्सेट्रा.
बुक्स हमें एंटरटेन भी करता है और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, प्लेस के बारे में और बहुत सारी चीज। सो बुक रीडिंग इज अ वेरी वंडरफुल हॉबी। सो आप भी इस हॉबी को जरूर अपनाइए। होप किड्स, नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर टाइम, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। सो चिल्ड्रेन, इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।